कि जम्मू कश्मीर में पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन दोबारा किया जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर मेंबर रिटायर हो चुके हैं, चेयरमैन साहब की अपॉइंटमेंट कर दी गई है। लेकिन हमें ये अफसोस रहा, पहले भी हमने बहुत बार जनपद की शो की, सड़कों पे आए, एलजी साहब को मिले, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने एलजी साहब को मुलाकात की। हमारी ये मांग थी कि 2016-17 में जब ये बीजेपी पीडीपी की सरकार आई, उससे पहले जब भी कभी पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ, एक सिख मेंबर उसमें लिया जाता रहा। तो सिख मेंबर, ये पहली बार हुआ बीजेपी पीडीपी की सरकार के आने के बाद कोई भी सिख मेंबर इस सरकार में नहीं लिया गया, इस पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं लिया गया। तो ये बहुत बड़ी रिजेंटमेंट थी हमारी कम्युनिटी में। हम जब 15 मार्च 2021 को एलजी साहब से मिले थे, काफी डिमांडें दी थी, 8-10 डिमांड, उसमें ये भी थी कि इस बार कम से कम उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, अब जो लोग रिटायर होकर आएंगे एक सिख मेंबर को जरूर लिया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि एलजी साहब आपने जो कमिटमेंट हमारे साथ की थी उसको आप पूरा करोगे। इसके अलावा एलजी साहब जो डिमांड हमारे जम्मू के काफी डेपुटेशन आपसे मिले, ये एक डिमांड सबने रखी कि J&K यूटी ऑफिशियल लैंग्वेज बिल आपने पंजाबी को उसमें से बाहर निकाला, आप उसको केंद्र पर लिखिए कि हमारी पंजाबी को बाहर जब तक नहीं करेंगे सिख चैन से नहीं बैठेंगे। उसके अलावा नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, जो सरकार पहले ये अपील देती थी कि आर्टिकल 370 की वजह से नहीं आ सकता, आर्टिकल 370 को भी किए हुए 2 साल हो गए हैं, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का जम्मू में लागू किया जाए ताकि हमारे जो माइनॉरिटीज के बच्चों का फायदा मिलना चाहिए उसको बाहर किया जाए। ऐसा 425 की जो आपने अमेंडमेंट की थी, जो नॉन माइग्रेंट कोटा कश्मीरियों का था उसमें से सिख बच्चों को आपने बाहर निकाला, आपने वो भी माना था कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, हम कश्मीरी बच्चों के लिए भी पोस्टर निकालेंगे, लेकिन आज तक आपने वो पोस्टर नहीं निकाली। इसके बाद आपको हमने ये भी बताया था कि आनंद मैरिज एक्ट जो 2012 में पार्लियामेंट में पास हो चुका है वो आपने जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया, उसको लागू कीजिए और उसके रूल्स बना के ताकि सिख बच्चे बच्चे हैं जो अपनी मैरिज रजिस्टर करते हैं वो आनंद मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर करें और बच्चों को तसल्ली हो। उसके बाद एक अंत में एक बात और कहूंगा कि 1989 के राइट्स की विक्टिम की सिर्फ 1-1 लाख जो 89 के राइट्स के विक्टिम को मिला, बाकी हिंदुस्तान के 6 लाख 8 लाख 10-10 लाख मिला, लेकिन तलवाड़ा में 84 में राइट्स हुए थे उनको भी 8.5-8 लाख मिला, जम्मू वालों को सिर्फ 1-1 लाख मिला। हमने राजनाथ सिंह जी को आज से 3 साल पहले लेटर लिखी थी और उस लेटर का जवाब आया, उन्होंने रेवेन्यू सेक्रेटरी को लिखा, गवर्नर साहब को लिखा और उन्होंने उस पर कार्रवाई की हुई। आज 3 साल हो गया वो फाइल हमारी एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, दूसरे से तीसरे दफ्तर जा रही है, फाइनल डिस्पोजल के लिए GAD में पड़ा है। मैं एलजी साहब से दरख्वास्त करता हूँ 14 लोगों को पैसा देने के लिए सिर्फ 1 करोड़ रुपया चाहिए, आप 80-80 हजार करोड़ के प्रधानमंत्री जी पैकेज अनाउंस करते हैं। अगर किसी कम्युनिटी को हीलिंग टच पॉलिसी के तहत 1 करोड़ रुपया देना हो तो बहुत बड़ी चीज थी, उनको दिया जाए। अंत में जवानी चौक में बाबा बंदा सिंह बहादुर में स्टैचू इंस्टॉल करने के लिए पिछले 10 सालों से सिखों की डिमांड है, हाउस में भी पास हो गया उसके बावजूद इंस्टॉल नहीं किया।